राम राम दोस्तों, हम आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में छोटी ने हंगामा कर दिया है अनुपमा को देखकर, लेकिन हद है कि अनुपमा की याददाश्त की जो छोटी को पहचान नहीं पाई। अब छोटी मालती देवी की राह पर चल रही है और अब वो अनुज को अनुपमा से मिलने नहीं देगी, जबकि ये रिश्ता में ठीक होते होते बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि रोहित कुछ गलत करने वाला है, वो भी अपने ही साथ। वहीं गुम है किसी के प्यार में रीवा और ईशान की शादी पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये तो थी आज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा और उसके लिए चलना होगा सीरियल के मोहल्ले में। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा की जिंदगी में आज का दिन कैसा बीता है। अनुपमा में मालती देवी की आत्मा छोटी के अंदर आ गई है। पहले तो हमको लगता था कि बेचारी बच्ची है, लेकिन अब तो उसकी हरकत बच्ची जैसी नहीं, एकदम मोहल्ले की चंट आंटी जैसी हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अब खुद अनुज को अनुपमा से दूर रखेगी। लेकिन एक बात और है गौर करने वाली कि 5 सालों में क्या अनुपमा की याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई जो छोटी को नहीं पहचान पाई। आज होता ये है कि अनुपमा की चाय को लेकर बवाल हो जाता है, क्योंकि होटल के मालिक को अनुपमा की चाय का मसाला बहुत पसंद आता है, लेकिन अनुपमा को लगता है कि उसकी नौकरी तो गई। इधर छोटी अनु की जीत की खुशी मनाने के लिए श्रुति और अनुज को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगी जहां अनुपमा काम करती है। अब होटल में अनुज को अनुपमा की मसाले वाली चाय पिलाई जाती है, जिससे वो पुरानी यादों में खो जाता है। वहीं छोटी अनु रेस्टोरेंट से कहीं और जा रही होती है, तभी उसका सामना अनुपमा से हो जाता है और वो उसको पहचान लेती है, लेकिन अनुपमा छोटी को नहीं पहचान पाती। लेकिन छोटी तो ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो सीधा अनुज के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि प्लीज़ घर चलिए। वो उसे कहेगी कि प्लीज़ मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। अब घर पहुंचने के बाद छोटी अनु खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अनुज को फिर से परेशानी हो जाती है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो छोटी 5 साल पुरानी हरकतें करने लगी। अब छोटी को पैनिक अटैक आ जाता है और वो खुद को कमरे में बंद कर चीख चीख कर रोने लगती है। अब छोटी के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि वो कैसे अनुपमा को दूर करे। अब तो वो प्लान बनाने वाली है कि वो अनुज अनुपमा को मिलने ही नहीं देगी। वही रिश्ता क्या कहलाता है मैं, रोहित तो बिल्कुल देवदास हो गया है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है कि उसने अपने बड़े भाई अरमान के साथ कितना गलत किया, जबकि उसके भाई ने तो उसके लिए बलिदान ही दिया। लेकिन उसके मन में कुछ और भी चल रहा है जो अभी तक किसी को नहीं पता। अब रोहित घर में सबको ऐसे दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर तो दुख का समंदर चल रहा है और अभीरा इस बात को भाप भी जाती है। अब इस बुरे समय में अभीरा ही पोदार फैमिली के काम आएगी, लेकिन रोहित के सारे दुख से रूही को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज भी उसे तो सिर्फ अरमान ही प्यारा है। आज होता ये है कि अरमान और रोहित अकेले अकेले में बैठकर अपने पुराने दिन याद करते हैं। तभी रोहित के पास दादी सा पहुंच जाती है और वो उसके नाराज होने की वजह पूछती है। तब रोहित अपनी दादी सा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा पूरा कमरा फैलाए रखी है, जिस वजह से अरमान भड़क जाता है। हालांकि अभीरा के मुंह पर टेप है, इसलिए वो अरमान को जवाब नहीं देती, बल्कि अभीरा अरमान को लिखकर बताती है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा वो अपने मुंह से टेप नहीं हटाएगी। लेकिन तभी घर में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस अरमान को पकड़ने के लिए आती है और ये देखकर घर के हर एक इंसान के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर कोई अरमान के गिरफ्तार होने की वजह पूछता है, तो अभीरा अरमान का हाथ नहीं छोड़ती। अब ये नज़ारा रोहित खड़ा खड़ा देखता है। थोड़ी देर बाद ही सभी पुलिसकर्मी घर में डांस करने लगते हैं। तब सबको पता चलता है कि ये सब रोहित का प्लान था और वो अरमान से माफ़ी मांगता है सबके सामने। अब इस पूरे ड्रामे के बाद भी अभीरा अपने मुंह से टेप नहीं हटाएगी। अब इस वजह से दादी सा उसे टोकती है, लेकिन अरमान अभीरा को साइड में ले जाकर माफ़ी मांगता है और बहुत प्यार से टेप भी हटा देता है। अब रोहित भी अभीरा से माफ़ी मांगता है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहेगा कि आगे से अगर वो कोई गलती करेगा तो वो उसे डांट दे। अब इस दौरान रोहित बातों ही बातों में अभीरा को ये भी बता देगा कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। वो आखिरी बार अपने परिवार को ऐसे खुश देख रहा है। अब शो में रोहित अचानक से गायब हो जाएगा, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में पंडित की भविष्यवाणी सारा खेल बिगाड़ने वाली है, क्योंकि समृद्ध सभी को किडनैप करके उससे ज़बरदस्ती शादी करने का प्लान बना रहा है, जबकि ईशान की शादी को लेकर पंडित ने खतरा बता दिया है। भाई पंडित ने साफ साफ कह दिया है कि आगे आने वाले मंगलवार तक दोनों की शादी हो गई तो ठीक, लेकिन उसके बाद तो दोनों की जान को खतरा है। अब तो रीवा और ईशान दोनों ही जल्दी शादी के लिए मरे जा रहे हैं। आज होता ये है कि ईशान घुटनों के बल बैठकर रीवा को प्रपोज करेगा और बताएगा कि सालों बाद भी वो उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। अब रीवा भी फूली नहीं समा रही है और दोनों ने ही शादी के लिए हाँ कर दी है। वहीं आगे सभी अपनी आंखों से ईशान और रीवा की बढ़ती लव स्टोरी को देखेगी।
अब ईशान को किसी और के साथ देखकर सभी को भी जलन होगी। वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग भी शादी की तैयारी में जुट गए हैं। अब इसी बीच ईशान को पता चलेगा कि भाई सभी किडनैप हो गई है। ईशान अपनी शादी की रस्में छोड़कर सभी को बचाने निकल जाएगा। अब यहाँ पर सभी की जान बचाते बचाते भवानी की जान चली जाएगी। अब मरने से पहले भवानी सभी का हाथ ईशान के हाथ में थाम देगी। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ईशान को सभी का हाथ थामना पड़ जाएगा। अब ऐसे में ईशान शादी के मंडप में रीवा की जगह सभी से साथ फेरे लेगा और ये देखकर रीवा और सुरेखा दोनों के कलेजे पर सांप लेटने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे लेकिन नई जानकारी के साथ। राम राम।